फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और बुआ घर चली गई है। सुबह सुबह चाय और सुबह का जो ब्रेकफास्ट बना के दिया, उस टाइम लाइट नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। वो मेरा बच्चा जब बोल गया, तो मैंने चाय, पराठा और आलू की सूखी सब्जी बना के दे दिया है। तो बुआ खा के भी गई है और घर के लिए भी भेज दिया है, क्योंकि घर जाके नहीं तो बुआ को फिर से खाना बनाना पड़ता। तो मैंने बना के भेज दिया है। और बाबू के लिए यहाँ पे रात का चावल बचा हुआ था, तो मैंने चावल फ्राई कर दिया, बाबू वही खाएगा। और बाबू के लिए पूरी सेक दिया है, बाबू टिफिन में ले जाएगा पूरी। और इसीलिए अभी रो रहा है क्योंकि बुआ चली गई है, बुआ चली गई इसलिए अब रोना धोना चल रहा है। अभी अम्मा चली गई। ओ मेरा बच्चा, चलो नीचे उतरो, चलो चलो मुंगली चला दे, मुंगली देखो। ओ मुंगली देखो। तो मेरे हस्बैंड अभी वीडियो कॉल करके बाबू को दिखा रहा था, अभी स्नान करने गए हैं तो वही दिखा रहे थे वीडियो कॉल करके। तो बाबू उन पापा को देखे और ज्यादा रोने लगा है सुबह से, मतलब बुआ चली गई उसके लिए तो रो ही रहा था, अब पापा को देख के और ज्यादा रोने लगा। तो मैंने यहाँ पर टीवी पे कार्टून चला दिया, कार्टून जब तक देखते तब तक मैं उसका नाश्ता करा देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने, नहा के पूजा करूँगी, उसके बाद बाबू को तैयार करके भेजूँगी स्कूल। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए। मैं अभी बाबू को स्कूल पहुँचा के घर आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत दिन हो गया था मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बाबू को स्कूल छोड़ के भी आते थे और बाबू को स्कूल से लेके भी आते थे जब छुट्टी होती है। तो जब हस्बैंड घर पे नहीं है, मुझे ही जाना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था बाबू। तो मन कर रहा था कि ले आए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ दिन बाद फाइनल पेपर है और बीच में अगर मैं छुट्टी ऐसे ही कराती रहूँगी तो उसका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए कुछ ही कर नहीं सकते हैं, मजबूरी है। तो चलिए घर का काम कर लेते हैं, कुछ नहा के। तो मैंने पूजा करके बाबू को रेडी करके स्कूल पहुँचा के आई हूँ। और देखिए चारों तरफ कपड़े वगैरह फैला पड़ा है, सारा कुछ ठीक कर लेती हूँ। सुबह नाश्ता बनाया, कुछ बर्तन है वो साफ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। और सुबह उठने के बाद जितने भी बासी काम होता है ना, जैसे झाड़ू पोछा सब कुछ तो मैं कर चुकी थी जब बुआ घर पे थी। उसी टाइम बुआ बाबू को संभाल रही थी और मैं घर का काम कर रही थी, तो सारा काम तो हो ही गया था। और स्कूल जाने में देर हो रही थी तो बाबू के देखी कपड़े चेंज करके, सारे कपड़े यहाँ पे ऐसे ही फैला के रख के मैं चली गई थी बाबू को स्कूल छोड़ने। तो जब हस्बैंड घर पे होता है तब तो उतना महसूस नहीं होता, मैं रेडी कर देती हूँ, हस्बैंड लेके चले जाते हैं और मैं घर का काम करती रहती हूँ। अब मुझे आज पता चल रहा है कितना डिफ़िकल्ट है, घर का भी काम करो और साथ ही साथ बाहर का भी करो तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है सारा काम। और मतलब जिनके हस्बैंड उनके पास नहीं रहते हैं, बाहर काम करते हैं, उनके लिए तो और डिफ़िकल्ट होता होगा घर का काम करना, साथ ही साथ बाहर का भी, और बच्चों को भी संभालना होता है। तो उसमें जो है हस्बैंड अगर पास में ना हो तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मेरे हस्बैंड जो है पास में रहते हर टाइम, मतलब हमारे घर से दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए हस्बैंड जो है जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होता है हस्बैंड तुरंत आ जाते हैं। और बाबू को स्कूल छोड़ना, स्कूल से ले आना, सब कुछ हस्बैंड ही करते हैं, तो मुझे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन आज पता चल रहा है, और मुझे दोस्तों अकेला रहना अच्छा लगता है, मुझे मी टाइम पसंद है। लेकिन जब से मतलब कल हस्बैंड गए हैं और कल से ना बिल्कुल सुना ख़राब नहीं लग रहा है, लेकिन सुना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हुआ है, कोई नहीं है, बिल्कुल लोनली सा, मतलब सुना सा लग रहा है। बाहर जा रही हूँ तब भी अच्छा नहीं लग रहा है, कमरे में आ रही हूँ तब भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए बातें करते करते मैंने जो कपड़े हैं सारे फोल्ड कर लिए हैं और बेड को मैं क्लीन कर रही हूँ। और मैंने ऑनलाइन एक झाड़ू देखा है प्लास्टिक का, वो बेड क्लीन करने के लिए ही होता है, तो मैं सोच रही हूँ वही एक झाड़ू मैं मंगवाऊँगी बेड क्लीन करने के लिए, वो अच्छा रहता है, तो सोच ही रही हूँ। और कपड़ों से ना अच्छे से बेड क्लीन कर लो, लेकिन मतलब कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मतलब ये अंगोछा कभी मेरे हाथ में जो रहता है मैं उसी से क्लीन कर देती हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। मैं सोच रही हूँ एक प्लास्टिक का झाड़ू मंगवाऊँगी।
तो देखिए बेड क्लीन करने के बाद जितने भी मतलब उसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह था सारे तो नीचे गिर गया है, तो मैं और एक बार रूम को क्लीन कर लेती हूँ झाड़ू लगा के। तो फ्रेंड्स आज मैंने बस यहीं तक की जो वीडियो है मैंने शूट किया था, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बाबू स्कूल चला गया था और मैं अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने और कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो मन तो कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी घर में, तो इसीलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने रूम भी क्लीन कर लिया झाड़ू लगा के। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है, 5 मिनट का वीडियो है। पहली बार इतने मैं 3 महीने से मतलब 2-3 महीने होने जा रहा है, 3 महीने से मैं वीडियो बना रही हूँ, कभी मैंने इतना छोटा ब्लॉग नहीं बनाया है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना।